नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। मझियाव, एक बड़ा परिवार घर नहीं होने के कारण झोपड़ी में रहने को है मजबूर, अभी तक पीएम आवास से है वंचित। मझियाव से हमारे संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। झोपड़ी में रहने को विवश। मझियाव प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत तलसबरिया पंचायत के दलको गाँव के पूर्व वर्ष जोरदार दलको गाँव में पूर्व में जोरदार बारिश के कारण कच्चा मिट्टी का मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, जिसमें सभी घर के सभी लोग सदस्य बाल बाल बच गए थे। घर पूरी तरह से ध्वस्त होने के कारण पूरा परिवार घर से बाहर छोटी झोपड़ी में रहने को विवश है। गौरतलब है कि ग्राम दलको वार्ड नंबर 8 के स्थानीय निवासी अमरावती देवी पति दिनेश विश्वकर्मा ने बताया कि अगस्त 2019 में मूसलाधार बारिश से मेरा कच्चा का मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, जिससे हमारे परिवार में कुल 8 सदस्य बाल बाल बच गए थे। अमरावती देवी ने बताया कि मकान गिर जाने के कारण एक टूटा फूटा झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में जमीन पर ही सोते थे, ठंड लगने से हमने दो नतनी खो दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए हमने कई बार वार्ड पार्षद को कागज दिया, परंतु स्थानीय वार्ड पार्षद के द्वारा मेरा कागजात आगे नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने बताया कि 2020 में तंग आकर तलसबरिया पंचायत मुखिया अमीरुद्दीन अंसारी को दिया। उन्होंने मेरा घर का जायजा भी लिया, लेकिन मुखिया ने हवाला देते हुए कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वहीं अमरावती देवी ने बताया कि मेरा घर ध्वस्त हुए 1 वर्ष हो गया, लेकिन अभी तक मुझे प्रधानमंत्री आवास से वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार का कोई सुनने वाला नहीं है, मैं एक छोटा गरीब परिवार पैसे से छोटा किसान हूं, अच्छी तरह से परिवार का भरण पोषण भी कर पा रहा हूं। घर बनाने की तो बात दूर है, हमें इस झोपड़ी पट्टी में रहने से जानवर जहरीले जीव के काटने तथा चोरी का भय हमेशा सताते रहता है। वहीं रंजीत विश्वकर्मा पिता दिनेश विश्वकर्मा ने कहा कि अंबेडकर आवास भी तत्काल मिल जाए तो हम लोग आवास बनाकर शांति ढंग से रह सकें तथा 2 वक्त की रोटी चैन से खा सकें। हम सभी परिवार के सदस्य इस प्रखंड के आला अधिकारियों से विनती करते हैं कि हमें जल्द से जल्द आवास उपलब्ध कराकर हमारी सबसे बड़ी समस्या का समाधान करें। मेरा नाम रंजीत कुमार विश्वकर्मा। क्या समस्या है आपके साथ? समस्या यही है कि आवास नहीं है, ये गिर गया था सावन में। अच्छा। हम लोग का गिराने की बहुत दिक्कत है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमको जल्द आवास मिल जाए। आप घर गिर गया था, किन के पास शिकायत की है? शिकायत हम मुखिया के पास भी की है। आपके मुखिया का क्या नाम है? अमरुद्दीन मुखिया नाम है। किस पंचायत से आते हैं आप लोग? मुखिया जी क्या बोले? वो बोले कि अभी कुछ नहीं हो पाएगा, आगे भी देखेंगे। अभी क्यों नहीं हो पाएगा? समस्या वही, कुछ नहीं बोले कि अभी नहीं हो पाएगा, अभी ऐसी रही है। अच्छा, उनका तो अभी कार्यकाल मतलब समाप्त हो गया, इसीलिए बोले। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो आपका आवास गिर गया तो क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि हमें कहीं से भी आवास दिया जाए। अभी फिलहाल कहाँ रहते हैं? फिलहाल इसी झोपड़ी में रहते हैं। आप लोग कितने भाई हुए? हम लोग 2 भाई हुए। दोनों का शादी हो गया? नहीं, एक का नहीं हुआ। आपके मम्मी पापा दोनों हैं? बच्चे भी हैं? हाँ, बच्चे भी। आप सभी लोग इसी झोपड़ी में रहा करते हैं? हाँ, इसी में रहा करते हैं। अच्छा, आपका क्या पेशा है? मेरा पेशा कृषि का है। कृषि का है, तो कृषि से क्या आपका भरण पोषण हो जाता है? नहीं, बाकी कहीं अगल बगल में काम करते हैं। कृषि पर निर्भर होकर के आप अपने आवास को बना सकते हैं? नहीं, अपने आवास नहीं होते हैं। तो नहीं बना सकते हैं, तो आप मुखिया जी से शिकायत की है? जी। चलिए, ठीक है। अमरावती। कहाँ घर हुआ? दलको। क्या समस्या है आपके साथ? रहने का आवास नहीं मिला है। यहाँ के मुखिया जी से बोले? बोले हैं सर, वो बतलाए कि अभी अनुसूची में 2011 वाला मेरा नाम नहीं है, हम कहाँ से कर पाएंगे। अच्छा, ये घर आपका है? जी। तो ये घर तो लगभग गिर गया? गिर गया तो कहाँ रहे, ये सीटा चढ़ा के रह रहे हैं। सीटा चढ़ा के रह रहा है? जब मुखिया जी से संपर्क किए तो क्या बोले वो? लोग सूची में नाम ही नहीं है, तो खाने के लिए चावल आटा दे देंगे तो हम लेकर आएंगे। तो जब आवास के लिए सूची में नाम चढ़ रहा था तो आप लोग जो डॉक्यूमेंट जो होता है जमा किए थे? किए हैं सर। कितना दिन पहले किए थे? सर 2 साल पहले किए हैं। 2 साल पहले किए थे? तो कब आप उनसे फिर संपर्क किए जमा करने के बाद? ऐसे तो 3-4 हाल ही हो गया सर, उनके घर भी हम गए हैं। तो बात किए तो क्या बोले? बतला है कि
मतलब कुछ बताएं वो कि कब तक सूची में नाम आएगा? बोल यही इतना ही बतलाए हैं, तब बतलाए कि अति करने के बाद मीडियम से भी कैसे है। ये कितना दिन पहले आवास आपका गिर चुका है? साल भर पहले, यही इन्हें साल भर पहले गिर चुका है। तो जब ये आवास आपका गिर चुका है तो कहाँ पे आप लोग रह रहे हैं अभी फिलहाल? इसी जगह ना है सर, देखिए फिलहाल सब कुछ इतना ही है, पलंग तलंग टोटल सारा काम इतना ही है, रह रहे हैं कहाँ है किसको पता। आप बताएं। इनकी बहू हुए। क्या नाम हुआ आपका? सुनैना देवी। क्या समस्या आपके साथ? यही समस्या है सर की घर के दिक्कत है, घर खुद पड़ा सामने में पूरा पानी बह रहा था। मुखिया जी के पास गए थे तो मुखिया जी बोले कि देखिए बहन अभी हमारे पास अभी नहीं हो सकता है कुछ, ऐसे कि सूची में आपका नाम ही नहीं है। तो कहिए कैसे रहे सर, इसमें दिक्कत है, बाल बच्चा के भी दिक्कत है, कैसे रहे? तो अभी कैसे अथी करो ऐसे कि हो जाएगा ऐसे। कितने दिन के बाद बोले आप को कॉलोनी के लिए? सर बोले वो उतना कुछ नहीं बताया, बोले कि अभी रहो दिक्कत सब हो ऐसे। कितना भी दिया तब पर भी नहीं माने कि सर करा दीजिए। अच्छा तो आप लोग फैमिली में कितने सदस्य हैं? आठ सदस्य हैं। आठ सदस्य जो है क्या इसी झोपड़ी में रहते हैं? हाँ इसी झोपड़ी में रहते हैं। चलिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।